हेलो, वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस। इसमें आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिंह आपके सामने करंट अफेयर्स को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स एक्चुअली है क्या? बहुत पिछले समय से बहुत इसके बारे में चर्चा हो रही है और अधिकांश शिक्षक गण जो हैं या जो भी मेंटर्स हैं जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग में पढ़ाते हैं, उन लोगों के द्वारा दिए गए तरह तरह के अलग अलग जो विवरण हैं उसके आधार पर बच्चों में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करंट अफेयर्स आखिर है क्या। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे थोड़ी सी अपनी राय जाहिर करना जरूरी है। करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? पहला सवाल ये है, बच्चे अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं। कुछ शिक्षक, अभी पिछले सप्ताह ही सिविल सर्विसेज की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुई है और कुछ शिक्षक यहाँ तक दावा कर बैठे हैं कि 30 से 30 क्वेश्चन जो है 30 से 32 क्वेश्चन तक करंट अफेयर से ही आए। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन कभी ना आते हैं ना आएंगे। करंट अफेयर से ही अकेले अगर 30 क्वेश्चन आने लग गए तो बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा। करंट अफेयर से 9 क्वेश्चन आते हैं। 9 क्वेश्चन 2017 में भी आए थे, 2018 में भी आए थे। ऐसा नहीं है कि अगली बार 9 ही आएंगे, बट एक आध ज्यादा या कम हो सकते हैं। इनकी संख्या अधिकतम 15 हो सकती है। इससे ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन कभी नहीं आ सकते। अब सवाल है कि करंट अफेयर्स कहें किसको कहेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन को हम करंट अफेयर्स कहें और करंट अफेयर्स में किन प्रकार के क्वेश्चनों को समावेश किया जा सकता है। विगत 3-4 सालों में ऐसी भय की स्थिति पैदा कर दी गई है कुछ शिक्षकों के समूह द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कि लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करंट के लिए अलग से 1 महीना लगभग क्लास चलाई जाती है, प्रीलिम्स एग्जाम के पहले, मेंस एग्जाम के पहले, और जो बच्चों का बहुत ही कीमती और बहुमूल्य समय है उसको करंट अफेयर्स के नाम पर बर्बाद कर दिया जाता है। उस समय में जब बच्चों को रिवीजन की बहुत जरूरत है, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 4-4 घंटे की लंबी लंबी क्लासेज लेकर के, और उनमें तमाम 6 घंटे 40-40 पेज, 60-60 पेज, 20-20 पेज, 30-30 पेज लिखवाए जाते हैं बिना किसी डिस्कशन के, और ये सब यूजलेस होता है कम्प्लीटली। एक तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सारगर्भिता नहीं होती, दूसरी ये कि ये जो डिस्कशन है ये यूजलेस है मेरे ख्याल से। करंट अफेयर से उसे क्वेश्चन आते भी नहीं है जो आप उन दिनों डिस्कस करते हैं। तीसरी बात ये है कि जब रिवीजन का बहुत ही बहुमूल्य समय है तब आपका ये 1 महीना पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण से आप अच्छी तरह से रिवीजन नहीं कर पाते और निश्चित रूप से इसका प्रभाव सामान्य अध्ययन की पेपर का सॉल्व करने के समय में दिखता है और आप 2-4 नंबर से कम रह जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कम कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि आप सिलेक्शन होने से महरूम रह जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स की तैयारी आखिर की कैसे जाए और ये है क्या। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि करंट अफेयर्स के हमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि करंट अफेयर्स में किन प्रकार के क्वेश्चनों को समावेश किया जाए और किन प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश न किया जाए। मान लीजिए कि यदि कोई संविधान में संशोधन होता है या कोई नया कानून पारित होता है या आरक्षण संबंधी मुद्दों पर कोई कानून बनता है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय होती है, तो ये चीजें करंट अफेयर्स का नहीं हो सकता। ये चीजें तो पॉलिटी का पार्ट है, ये राजनीति की और संविधान से संबंधित विषयों का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको कि कोई भी शिक्षक जो पॉलिटी पढ़ाता होगा उसको इसकी चर्चा क्लास में करनी चाहिए। इसके लिए अलग से तैयारी करने जैसी कोई जरूरत तो है ही नहीं। यह तो उनके विषय का महत्वपूर्ण भाग है जो उन्हें करनी चाहिए और वो करते भी होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये पढ़ाने का सही तरीका नहीं है।
इसी प्रकार यदि बैंकिंग सुधार या अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको इनकी चर्चा क्लास में करनी चाहिए और इस पर अपने विचार देने चाहिए। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण आता है हर एक साल के फरवरी महीने में, उसपे हर एक बिंदुओं का एक विस्तार तरीके से विस्तार पूरी तरह से विस्तार करके और समझाया जाता है। इसको छात्र खुद पढ़ सकते हैं और इनको शिक्षक अपने विषय के साथ साथ ही इसका अध्ययन करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि फरवरी में जब बजट आता है तो शिक्षक कैसे पहले पढ़ा देंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले से समझाया जा सकता है। डाटा ही सिर्फ अलग होती है, जो डाटा आप खुद से संकलित कर सकते हैं, और डाटा का संकलन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चूंकि सिविल सेवा के परीक्षार्थी हैं तो डाटा संकलन और डाटा को बदल देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके लिए अलग से क्लास की जरूरत नहीं है। बजट पे क्लास, आर्थिक सर्वेक्षण पे क्लास, ये अलग अलग क्लासेज की जरूरत नहीं है। ये तो पहले से अगर आपको पृष्ठभूमि तैयार कर दी जाए कि इनमें किन किन विषयों का समावेश किया जाता है और कौन कौन से विषय हैं और कौन कौन से आंकड़े हैं जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जिन पे आपका ध्यान हमेशा होनी चाहिए, तो आप बदलते हुए परिवेश में उन आंकड़ों को खुद ही समाहित कर सकते हैं, और खुद समाहित करने के पश्चात वो विषय आपका तैयार हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई साइंस विज्ञान में और कोई प्रौद्योगिकी में या साइंस से रिलेटेड कोई नया आविष्कार होता है, कोई नई चीजें आती है, कोई नया डेवलपमेंट होता है, तो ये साइंस पढ़ाने वाले शिक्षक को इसको अपने पढ़ाई में समाहित करना चाहिए और उसको क्लास में ही बताना चाहिए। इसके लिए अलग से करंट अफेयर्स में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अर्थात इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम विज्ञान में रखेंगे, न कि इनको समसामयिकी या करंट अफेयर्स का पार्ट मानेंगे, क्योंकि ये विज्ञान से जुड़े हुए पहलू हैं और ये विज्ञान के ही प्रश्न माने जाएंगे, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न या समसामयिकी के नहीं हो सकते। जो भी समसामयिक तत्कालीन चर्चा होती है किसी विषय से संबंधित, तो वो उस विषय का, अर्थशास्त्र में कोई सुधार होता है, पर्यावरण से संबंधी कोई नियम बनाए जाते हैं, कोई इस तरह का समझौता होता है किसी कंट्री के साथ, तो ये सब भूगोल का और पर्यावरण का विषय का बात है। इसको करंट अफेयर्स में नहीं सम्मिलित किया जा सकता, क्योंकि ये सभी आर्थिक पहलू और भौगोलिक पहलू जो है वो अलग-अलग विषयों के हिसाब से उनको उसी विषय में रखना चाहिए, न कि इसके लिए अलग से किसी प्रकार की क्लास की जरूरत होगी। तो आखिर करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स हम किसे कहेंगे? करंट अफेयर्स हम उन विषयों को करंट अफेयर्स में रख सकते हैं, जैसे अचानक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर कोई नई घटनाक्रम उत्पन्न हो जाए, अचानक कोई ऐसी बात आ जाए जो पहले से नहीं है किसी तरह का, तो ऐसी चीजों को, दो देशों के बीच में कोई विवाद पैदा हो जाए अचानक से, दो कहीं कोई ऐसी बीमारियां पैदा हो जाए, कोई कहीं ऐसा अचानक से समझौता हो जाए, कोई ऐसी चीजें निकल करके आए खेल जगत की दुनिया में या संस्कृति की दुनिया में, या कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम घट जाए, किसी राज्य से और देश से संबंधित कोई ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए स्पेसिफिक जो कि किसी अन्य विषय का हिस्सा नहीं है, उनको हम करंट अफेयर्स में मान सकते हैं। यानी खेल प्रौद्योगिकी संस्कृति और ये सब जो घटनाक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर होने वाली राष्ट्रीय परिदृश्य पर होने वाली जो अचानक से उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं उनको हम करंट अफेयर्स या समसामयिकी में रख सकते हैं। और इस प्रकार के आने वाले प्रश्नों की संख्या 9 से ज्यादा नहीं अभी 2 सालों में देखी गई है, 9 से लेकर के अधिकतम 15 तक आप मान सकते हैं, मिनिमम 7-8 भी मान सकते हैं, यानी 8 से 15 तक प्रश्न आएंगे। इनको पढ़ने के लिए अगर आप सही रूप से परिचित
परीक्षार्थी हैं, तो खेल जगत में क्या हो रहा है ये रोज आप न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं। इन आंकड़ों को उसी के साथ संकलित कर लिए जाए, स्टोर कर लिए जाए कि आगे फ्रेंच ओपन हो रहा है उसमें कौन जीत रहा है, या कोई और विश्व कप हो रही है तो उसमें कौन कौन देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फाइनली उसमें किसने जीता, कौन क्वार्टर फाइनल में गया, कौन सेमीफाइनल में गया, किसने किसको हराया। तो ये सारी बातें से आप अद्यतन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आप परीक्षार्थी हैं, आपको अपनी आंख नाक और कान सब खुले रखने चाहिए। आप देखेंगे ही देखेंगे, ये रोज का आपका हिस्सा है, ये रोज का आपका कार्य है, और आपको इसे करना ही चाहिए। इसके लिए अलग से किसी कोच की जरूरत नहीं है, अलग से किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है। बहुत से परीक्षार्थी ये सोचते हैं कि एक कैप्सूल के फॉर्म में ये मिल जाएगा हमें और हम बाद में रट्टे मार लेंगे, बाद में उसे याद कर लेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, आप विश्वास रखिए। रोज इससे आपको अवगत होना होगा, रोज आप अपडेट होते रहें, तब जाकर के ये पूरे साल का एक सारगर्भित सामग्री, अध्ययन सामग्री और जो ज्ञान है वो आपके पास से आप परिपूर्ण होंगे, और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। नहीं तो एकाएक ये सोचें कि हम आखिरी के एक महीना में पढ़ लेंगे और साल भर का पीछे का मैगजीन उठाएं, साल भर का पेपर उठाएं और उससे आप अवगत हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। करंट अफेयर से होने वाली जो भी करंट अफेयर्स में आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए, यानी उसे पिछले और अगले से कोरिलेट किया जाए। अगर अचानक से कोई पैदा होने वाली घटनाएं हैं तो वो तो ऐसे ही दिमाग में रहेंगी, उनको उसी तरह से दिमाग में रखना होगा कि यह अद्यतन जानकारी क्यों हुई, कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ और इसमें कौन कौन से लोग प्रभावित हुए। तो ये सब कोरिलेशन और पेरिफेरल नॉलेज जो कहा जा सकता है वो अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो करेंट अफेयर्स को लेकर के भय जैसी जो स्थिति उत्पन्न कर दी गई है उससे आप बिल्कुल ही विचलित ना हो, ये मेरा सुझाव है। करेंट अफेयर्स कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको अलग से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप सही मायने में सिविल सेवा के परीक्षार्थी हैं तो आपको इतने ज्ञान की जरूरत रोज पड़ती है, आपको इससे रोज अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, और निश्चित रूप से जो विषय से संबंधित अद्यतन जानकारियां हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे भूगोल से संबंधित हो, चाहे राजनीति विज्ञान संबंधित हो या साइंस से संबंधित हो, ये सब शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो इनसे आपको कक्षा के समय ही अवगत कराएं। और अगर ये बेसिक्स अगर इसके संबंध में आपके मजबूत हैं तो कोई नई जानकारी आखिरी के दिनों में अगर आती भी है तो उसे आप खुद ब खुद अपडेट हो सकते हैं, आप पिछले जो ज्ञान है आपके उससे कोरिलेट कर सकते हैं और नई डाटा नई जानकारी उसमें समाहित कर सकते हैं, है ना। तो आपको करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारे लोग अलग से इसकी क्लासेस देने लग गए हैं, बच्चे उसके पीछे पागल रहते हैं और तैयारी करने वाले छात्र करंट अफेयर्स की अलग से क्लास लेना शुरू कर दिए, अलग से तैयारी करना शुरू कर दिए, जो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। आप इस तरीके से तैयारी करें कि जो मूल ज्ञान है उसके आधार पर उसको तह दर तह अपडेट करते रहें, उसको आगे बढ़ाते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और जो ये 30 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन का भय उत्पन्न कर दिया गया कि इसे 30 क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोगों ने बिंदुवार उसको डिस्कशन भी किया रखने के लिए, तो सारी जानकारियां अद्यतन कहीं ना कहीं होती ही होती है, और यूपीएससी में प्रश्न भी वही पूछा जाता है जो हाल के दिनों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चर्चा का विषय हो। तो इस हिसाब से तो सारे के सारे प्रश्न ही करंट अफेयर्स में डाल दिए जाने चाहिए, है ना। लेकिन ऐसी करना बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, यह जो है वो पूरी तरह से गलत होगा। आप करंट अफेयर्स को लेकर के बिल्कुल भयभीत ना हो, रोज नियमित रूप से अखबार पढ़ें, न्यूज़ सुनें और मैगजीन्स महीने का एक या दो पढ़ें, आप इस अद्यतन जानकारी से अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, और निश्चित रूप से जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनका आप उत्तर दे सकेंगे। तो
ये मेरा सुझाव है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें, लेकिन करंट अफेयर्स का वास्तविक परिदृश्य यही है, उसकी वास्तविक पटल पर आने वाले प्रश्नों की संख्या यही है जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये हमारा पीछे हमने एनालिसिस किया था उसमें ये आपको दिखाया भी था कि ऐसा हुआ है। आप चाहें तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं।